नीचे चला गया था मुझे, नीचे चला गया साथियों। सर्दी में सांप जो दिखने लगे हम जरूर दिखाए थे लोगों को, मेरे ख्याल से 18-20 साल इसकी उम्र होगी। अरे बिल्ली ने तकिया से खड़ा हो गया ना, अभी तो यहाँ बैठा था जहाँ लड़का, अभी तो कोई बाहर था बिल्कुल ही है। तो बहुत जान हो गई थी लस्सी कितने आया होगा साथियों, वीडियो बना लो। गणेश चतुर्थी भी है, गणेश जी का पूजन हो रहा है और ये 18-20 साल इसकी कम से उम्र होगी। ये देखिए कोबरा है, चक्कर कोबरा है क्या ये देखिए, उधर कैसे खराब हुए, पूरा गुस्से में है क्योंकि सर्दी में इसको गर्मी चाहिए होती है और ये यहाँ पर आराम से रह रहा था। गुरपाल भाई का फोन आया, उसको पकड़ने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इसको हम एक ऐसे बिल में छोड़े जहाँ पे ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि यदि इसको हम डायरेक्ट सर्दी में छोड़ेंगे तो ये मर भी सकता है क्योंकि सर्दी इसको बर्दाश्त नहीं होती। ये देख कितना इसने जहर छोड़ा है, मेल है कि फीमेल है? ये फीमेल है, फीमेल है। और कम से कम इसने मैं कहते 10-15 दिन से कुछ खाया नहीं। अच्छा जी, अगर खाया होता ना तो उसकी लैटिन काली होती, ये अपनी ये चर्बी पिघालना चर्बी से ही जी रहा है। अच्छा जबरदस्त, आजा भाई पहले भाई लिया जरा मार दे, मेरा तेरी सड़क पे ले जा जरा ऐसे अभी चलो पकड़ लो ये इसका काटे कर नहीं जल्दी कर, मैंने पकड़ रखा, रुको रुको नीचे जाओ। हां छोड़ भी ना दे ऐसे ना, छोड़िए ना मत, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भरत भाई से दोस्तों, ये करीब 20 से लेकर 25 साल की उम्र का कोबरा भी मेरे द्वारा पकड़ा गया। हमें इसके इसके प्राकृतिक वास जहाँ पर इसका जीवन चलेगा, खाएगा पिएगा रहेगा, यदि वहाँ रहता तो नहीं पकड़ा तो मार भी सकते थे इसको। अब मैं लेके आ गया हूँ, अब मैं इसको इसके प्राकृतिक वास करूँगा। मैंने बोल दो बिल में जा रहे थे उन्होंने दरा अंदर पसंद से बिल भी छुड़ा गया मैंने नहीं। साथियों देखिए काफ़ी गुस्से में आ गया था उस समय, बचाने के लिए तो दिल में लेना पड़ेगा। काफ़ी गुस्से में भी आता है ये इस समय, क्यों फोटो खींचे फोटो खींचे, ये देखिए ये सर्दी है इसलिए ज़्यादा इनका मुंह भी नहीं खुल रहा और ये डराने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, सुरक्षित भी नहीं रहे। इसको पकड़ लिया गया तो हमें इसको इसके दिलों में छोड़ूंगा।
साथियों ये देखिए ये बिल है और मैं कोशिश करूँगा इसको ये यहाँ पर चला जाए क्योंकि पूर्व में भी मेरे द्वारा यहाँ पर सांप छोड़े गए थे। देखिए ये हमला करने की स्थिति में आ रहा है परंतु इसका जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ये देखिए ये सुरक्षित अपना जहाँ सर्दी गर्मी सभी से बचेगा और जब इसको मन लगेगा धूप सेकने भी आएगा शिकार भी करेगा इसमें घुस जाएगा। दोस्तों सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना आप एक शॉट को दें, वन विभाग को दें, हमें दें, आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको खतरा हो और ऐसा भी कोई हमारी नकल करने की कोशिश ना करें क्योंकि इस नकल करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हमारी नकल करें और आपको सांप काट ले और आपके ऊपर विपदा आ जाए।